हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। आज के वीडियो में देखने वाले हैं मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि हमारे पास अवेलेबल है टू मैट्रिक्स और उसका एडिशन हमें थर्ड मैट्रिक्स में स्टोर करना है। तो वो किस तरह से परफॉर्म होता है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमारे पास है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, ये दोनों की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये जो बॉक्स है ना, ये दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो मैट्रिक्स ए का जो पहला एलिमेंट है और मैट्रिक्स बी का है दूसरा एलिमेंट है, तो 10 प्लस 10 यानी कि 20 हुआ। तो 20 हमें मैट्रिक्स सी में स्टोर करवाना है। उसके बाद इधर 20 है, इधर भी 20 है, 20 प्लस 20 मीन्स 40। तो 40 हमें थर्ड मैट्रिक्स में स्टोर करवाना है। उसके बाद इधर है 30, इधर भी है 30, तो 30 प्लस 30 मीन्स 60, तो वो हमें थर्ड मैट्रिक्स में स्टोर करवाना है। इधर है 20, इधर है 40, 40 प्लस 20 मीन्स 60। तो ऐसा समेशन हमें परफॉर्म करना है ईच एलिमेंट के लिए। ठीक है, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, ये जो एलिमेंट है उसका समेशन हमें तीसरे मैट्रिक्स में स्टोर करना है, यानी कि दो मैट्रिक्स का जो एडिशन है, समेशन है, वो तीसरे मैट्रिक्स में हमें स्टोर करना है। तो प्रोग्रामिंग थ्रू किस तरह से पॉसिबल है वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो टर्बो सी की जो स्क्रीन है वो ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ, पहले तो हमें मैट्रिक्स ए को बनाया इंटीजर, मैट्रिक्स ए कौन सी साइज थी, 3x3 थी, यानी कि मैं इधर डाल देता हूँ 3, इधर भी डाल देता हूँ 3। उसमें मैं स्टेटिकली वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया हुआ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आके हमारे पास 3 रो है, तो हमें इस तरह से 3 रो के लिए 3 कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है। उसमें मैं वैल्यू डालता हूँ 5,5,5। ठीक है, उसके बाद 7,7,7। उसके बाद मैं डालता हूँ 8,8,8। ठीक है, अब मैं दूसरा मैट्रिक भी क्रिएट कर लेता हूँ, मैट्रिक बी, उसकी साइज कितनी है, 3x3 की है, उसमें भी क्या है, 3 रो है, इसलिए कर्ली ब्रेसेस इस तरह से लेने पड़ेंगे, तो 3 रो हो गई। अब इसमें मैं डालता हूँ 5,5,5। उसके बाद मैं डालता हूँ 5,3,12। उसके बाद मैं डालता हूँ 5,3,2। ठीक है, तो अब हमें उसको तीसरे मैट्रिक्स में स्टोर करवाना है। उसको मैं क्रिएट करता हूँ मैट्रिक्स सी, वो भी होगा 3x3 का। ठीक है, उसमें मैं कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता हूँ। अब हमें 2D एरे को हैंडल करना है, इसलिए मुझे लूप की जरूरत होगी, दो लूप की, इसलिए मैं आई एन जे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब CLR SCR का यूज कर लेते हैं। तो पहले तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हम प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स ए स्लैश एन, उसके बाद लूप का यूज कर लेते हैं, फॉर लूप, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3। 3 क्यों, क्योंकि नंबर्स ऑफ रो है वो 3 है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप के अंदर हमें क्या यूज करना है, दूसरा फॉर लूप, यानी कि वो कॉलम के लिए होता है, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 क्यों, क्योंकि नंबर्स ऑफ कॉलम भी 3 है। ठीक है, तो जो आई का लूप है वो रो के लिए है और जो जे का लूप है ना वो कॉलम के लिए होता है। ठीक है, अब उसे हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट टैब का यूज कर लेते हैं। उसमें मैं लिखता हूँ %3D, अब हमें 2D एरे प्रिंट करना है, उसका नाम क्या है, मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो इधर पहले आएगा आई, क्योंकि पहला स्क्वायर ब्रैकेट एरे में होता है रो के लिए और रो के लिए लूप चल रही है आई की। दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा जे, क्योंकि लूप चल रही है कॉलम के लिए जे के नाम की। उसके बाद प्रिंट टैब में लगा देना है स्लैश एन, तो इससे पहला मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, दूसरा मैट्रिक्स भी प्रिंट करना है, तो कंट्रोल इंसर्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर लेते हैं, शिफ्ट इंसर्ट। तो इधर मैं पहले चेंज कर देता हूँ बी, तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा बी। अब इसके नीचे मैं दे देता हूँ GetCS, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो हमारे जो दो मैट्रिक्स है वो डिस्प्ले होकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब इसका हमें समेशन यानी कि टू मैट्रिक्स का एडिशन परफॉर्म करना है। तो अब वो करते हैं, उसमें भी मुझे दो लूप की जरूरत होगी, तो अभी मैंने जो कॉपी पेस्ट किया वो भी मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ, इस लाइन की मुझे जरूरत नहीं है इसलिए निकाल देता हूँ। अब ये जो प्रिंटेफ है ना उसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, निकाल देता हूँ। इसमें मुझे करना क्या है, इस स्लेशन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक परफॉर्म करना है, यानी कि दो लूप चलेगी इस तरह से। ठीक है, ये कन्फर्म है क्योंकि तीन रो है, 3 कॉलम, इसलिए ये दो लूप सेम ही चलेगी। उसके अंदर जाके आपको सिर्फ लिखना है
मैट्रिक्स सी, क्योंकि मैट्रिक्स सी में हमें क्या करना है, एलिमेंट को स्टोर करना है किस पोजीशन पर, आई ऑफ जे, ठीक है, मैट्रिक्स आई ऑफ जे, यानी कि जिस पोजीशन पे हमें गेट होंगे दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट, उसका सम करके हमें मैट्रिक्स सी में स्टोर करना है। तो इधर यूज करना है मैट्रिक्स ए, उसकी आई और जे की पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो, प्लस मैट्रिक्स बी की जो आई और जे की पोजीशन पर एलिमेंट है वो, ठीक है। तो इधर मैं पहले तो एक कैपिटल ए कर देता हूं, क्योंकि हमने नाम लिखा है मैट्रिक्स कैपिटल है एंड कैपिटल बी, यानी कि इस पोजीशन पर जो भी एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का वो, और इस पोजीशन पर जो भी मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है उसका समेशन हमें स्टोर करना है मैट्रिक्स सी में इसी पोजीशन पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टू मैट्रिक्स एडिशन का लॉजिक। अब उसके बाद क्या है, सिंपली प्रिंट करना। तो ए मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल इंसर्ट। अब इसे मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और इधर मैं चेंज कर देता हूँ मैट्रिक्स सी, इधर भी कर देते हैं मैट्रिक्स सी, ठीक है। तो ये लॉजिक हमारा सेट हो गया, कंपाइल करते हैं सक्सेस, अब रन करते हैं। तो इधर आप देख सकते हो मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। तो मैट्रिक्स ए की जो पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो है 5, मैट्रिक्स बी की जो पहली पोजीशन है वो भी है 5, यानी कि इधर कुछ गड़बड़ मुझे लिख रही है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, पहले तो चेक कर लेते हैं कि एलिमेंट यही है 5 5 5 है कि ये नहीं, मैट्रिक्स बी के कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ए भी 5 5 5 है और ए भी 5 5 5 है, ठीक है। तो हमने ठीक ही तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का पहला एलिमेंट है 5, मैट्रिक्स बी का पहला एलिमेंट है 5, 5 प्लस 5 यानी कि 10, और मैट्रिक्स सी में पहला एलिमेंट आ गया 10। अब मैट्रिक्स ए में पहली रो में 5 5 5 है और मैट्रिक्स बी की पहली रो में 5 5 5 है, यानी कि मैट्रिक्स सी की पहली रो में आएगा उसका समेशन 10 10 10 आ रहा है। अब मैट्रिक्स ए में सेकंड रो है उसमें पहला एलिमेंट है 7, और मैट्रिक्स बी की सेकंड रो में पहला एलिमेंट है 5, यानी कि 7 प्लस 5 कितना होगा 12। तो मैट्रिक्स सी में क्या है, 12 आ गया। अब उसके बाद मैट्रिक्स ए में सेकंड रो में सेकंड कॉलम पर है 7, और मैट्रिक्स बी में सेकंड रो में सेकंड कॉलम पर है 3, यानी कि 7 प्लस 3 यानी कि 10। तो मैट्रिक्स सी में सेकंड रो में सेकंड कॉलम पर है 10, ठीक है। तो हमारा जो समेशन है वो पूरी तरह से आ गया। तो बहुत ही इजी है टू मैट्रिक्स का एडिशन करना। आपको क्या करना है, सिर्फ दो लूप चलाने हैं और ये लॉजिक इधर सेट कर देना है, और प्रिंट करने के लिए आपके पास दो लूप तो है ही। तो बहुत ही आसान है, एवरी टाइम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आज किया जाता है फैकल्टी के थ्रू, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि मैट्रिक्स एडिशन किस तरह से परफॉर्म होता है। तो अब इस कोड को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एप्लीकेशन में डाल दूंगा, तो वो उस एप्लीकेशन से आप इस कोड को यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हमारा एस्केप प्रोग्रामिंग ऐप है वो डाउनलोड भी कर दो, और दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।